सो वरना 2020 फेसलिफ्ट जो है हमारे मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और एज अ फेसलिफ्ट इसमें जो है हमने कई सारे बड़े बदलाव देखे हैं, ना सिर्फ डिज़ाइन वाइज बट इंजन वाइज भी जो है यहाँ पे हमने बदलाव देखा है। अब अगर आप इस कार को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि कौन सा वेरियंट जो है आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, हर एक वेरियंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, एंड एंड में आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, और साथ में या नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन भी जरूर बताइएगा कि आपको इन सारे वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट जो है एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज लग रहा है। Hyundai ने वर्ना को तीन इंजन ऑप्शंस में इस बार लॉन्च किया है, एक 1.5 लीटर पेट्रोल, एक 1.5 लीटर डीजल और एक नया 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब ये नया तो क्या ही है, मतलब हमने इसको और भी दूसरे Hyundai के कार्स में देख लिया है, बट हाँ वर्ना में ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन है, दोनों ही 6-speed मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ आता है। हालांकि यहाँ पे अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो आपको सीवीटी गेयरबॉक्स मिलेगा, अगर आप 1.5 लीटर डीजल लेते हैं तो आपको मिलेगा एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, अगर आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल लेते हैं तो फिर वहां पे आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। Hyundai ने वर्ना को 5 वेरिएंट्स में ऑफर किया है, एस, एस प्लस, एसएक्स, एसएक्स ऑप्शनल एंड देन एसएक्स ऑप्शनल टर्बो, जो कि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है। यहां पे जो बेस मॉडल है दैट इज वर्ना एस, वो ऑफर किया जाता है सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ विद मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड एज अ बेस मॉडल ना यहां पे आपको फीचर्स वाकई में बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। हम स्टैंडर्ड सेफ्टी किट की बात करते हैं, आपको 2 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी एंड पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहां पे एक्सटीरियर्स में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेगा, डीआरएल्स ऑन ऑफर नहीं है, टेल लैम्प्स जो है वो भी हैलोजन यूनिट्स ही है, यहां पे अलॉय व्हील्स वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। एस मॉडल में आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे एंड ऑब्वियसली यहां पे आपको व्हील कैप्स भी देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर्स की अगर बात करें तो ब्लैक एंड बीज के फिनिश में आपको इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं। जो वर्ना का हाईलाइट फीचर है दैट इज द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगा, आपको जो टैकोमीटर वगैरह है वो एनालॉग ही देखने को मिलता है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन बात क्या है यहां पे कि इस मॉडल में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मेरे ओपिनियन में इसको एक कंप्लीट लोडेड पैकेज बना देता है, जिसमें आपको ऑल इन ऑल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। इसी के बाद आता है S प्लस मॉडल, जो कि अवेलेबल है विद द 1.5 लीटर डीजल इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन। अब इस वाले मॉडल में सीन क्या है कि ऑलमोस्ट जो भी चीजें आपको S मॉडल में देखने को मिलती है वो सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी अलोंग विद 16 इंच के स्टील व्हील्स। बाद जो वेरिएंट आता है वो है SX वेरिएंट, जो कि 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर पेट्रोल एंड सभी ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आ जाता है। इस वर्जन के अगर एक्सटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, एलॉय व्हील्स, ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड मिरर, रेयर पार्किंग कैमरा, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो इस मॉडल ऑनवर्ड्स आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि खैर हर एक में आता है, बट इसमें भी ब्लू लिंक का सपोर्ट नहीं है, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। इसी वेरियंट ऑनवर्ड्स जो है आपको जो 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक IRVM, रेयर डिफॉगर, ये सारी चीजें भी जो है आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। एंड मेरे हिसाब से ये वाला जो वेरिएंट है एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बट यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो थोड़े से कम हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जो है Hyundai वर्ना में ऑफर करती है वो सारे फीचर्स जो है आपको इससे ऊपर वाले वेरियंट SX ऑप्शनल में देखने को मिल जाता है। अब SX ऑप्शनल में अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कर्टेन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, साथ में ही ब्लू लिंक का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब मेरे हिसाब से ना अगर आप सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हो तो प्लीज गो विद दिस वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा है। मेरे ओपिनियन में ना अगर Hyundai इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स अगर इसके नीचे वाले वेरियंट्स में भी देती तो वो वाकई में एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता।
ये एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो जितने भी बेल्स एंड विसल्स है वो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है अपने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही देगी। एक और वेरिएंट है, दैट इज द SX ऑप्शनल टर्बो। अब SX ऑप्शनल टर्बो में जो है आपको 1 लीटर टर्बो इंजन के अलावा कुछ और छोटे मोटे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। जैसे कि अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो टर्बो वेरिएंट में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद रेड हाइलाइट्स। आपको जितने भी फीचर्स SX ऑप्शनल वेरिएंट में है वो सारी चीजें आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी ना आपको इस वेरिएंट में कुछ और फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेडल शिफ्टर्स, क्योंकि DCT ट्रांसमिशन के साथ आता है तो यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स जो है आपको इस वेरिएंट में एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। साथ में ही चारों व्हील्स में जो है आपको टर्बो वेरिएंट में अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको टर्बो वेरिएंट के SX ऑप्शनल वर्जन में देखने को मिल जाता है, जो कि वाकई में इसको एक कंप्लीट काइंड ऑफ स्पोर्टी, अच्छे परफॉर्मेंस वाला और फीचर लोडेड वेरिएंट बना देता है। अब शोरूम पे जाओगे तो आपको और भी चीजें वहां पे जानने को मिलेगी जब आप इंजन वाइज फिर उसके प्राइस ब्रेकअप को देखोगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यही जो है मेन वेरिएंट्स ऑन ऑफर है। आते हैं मेन सवाल पे कि आखिर आपके लिए कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनेगा। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो यहां पे डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो जो SX वर्जन है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन दैट सेड, अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन लेते हैं तो जो इसका बेस मॉडल है S मॉडल, वो मुझे बहुत ही अच्छा एक पैकेज लगा, क्योंकि उसकी प्राइसिंग भी जो है बहुत कंपेटिटिव है और साथ में ही जो फीचर्स वो ऑफर करता है वो वाकई में बहुत अच्छा है। मतलब देखो, आपको एक स्टैंडर्ड सेफ्टी किट तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जो है आपको इंफोटेनमेंट यूनिट वगैरह भी एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे यहां पे मिल जाता है। तो अगर आप जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स या मे बी सनरूफ वगैरह के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इस वेरिएंट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ये ऑलमोस्ट वो सारी चीजें दे देगा जो आप आज के डे एंड एज में एक कार में ढूंढते हैं। अगर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहां पे चाहिए तो डेफिनेटली फिर आपको SX वर्जन लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है आपको प्राइसिंग के हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही था दोस्तों, ऑल इन ऑल मैं समराइज यही करूंगा कि अगर आप बजट कंस्ट्रेंट के साथ है लेकिन आपको एक वेल पैकेज्ड कार चाहिए तो आप S मॉडल ले ले, या डीजल के साथ जा रहे हैं तो S प्लस ले ले, अदरवाइज जो SX वेरिएंट है दैट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन द एंटायर वर्ना लाइनअप। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बता दें कि आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा वेरिएंट लगा, और अगर आप वर्ना लेने जा रहे हैं तो आप कौन सा वेरिएंट लेने वाले हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट एंड सेफ टू सन ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गॉगल्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।